प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रोहतक में 8 सितंबर को विजय संकल्प रैली करने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की ये रैली पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। पीएम की इस रैली में प्लास्टिक के झंडे की बजाय कपड़े के झंडे होंगे। यही नहीं, रैली में आने वाले लोगों को प्लास्टिक की बोतल का नहीं बल्कि मटकों का पानी पीने को मिलेगा। रैली में आने वाले लोगों की प्यास बुझाने के लिए रोहतक प्रशासन ने 4000 मिट्टी के मटकों की व्यवस्था की है। बकायदा इन मटकों पर कपड़ा चढ़ाकर इन्हें रखा जाएगा ताकि पानी ठंडा रह सके। यही नहीं, रैली स्थल पर गड्ढे खोदकर मटकों को दबाया भी गया है ताकि इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल फ्रिज जैसा पानी रैली में आने वाले लोगों को मिल सके। मोदी की विजिट के दौरान खरीदे गए इन मटकों में पीने का पानी भरकर रखा जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में मटकों की खरीदी की वजह भी दिलचस्प है। दरअसल इस कवायद के पीछे रोहतक प्रशासन का मकसद प्लास्टिक कंटेनर के उपयोग को कम करना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी रैली में आने वाला शख्स अपने साथ प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के पाउच वाला पानी लेकर ना आए। प्रधानमंत्री की प्लास्टिक के प्रयोग पर चिंता जताने का असर इस रैली में पूरा दिखाई दे रहा है। रोहतक में होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस रैली में जो खास बात देखने को मिलेगी वो होगी इको फ्रेंडली। जी हाँ, ये रैली इको फ्रेंडली होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मटके इस रैली में पानी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो पानी है वो इन मटकों में भरा जाएगा और साथ ही साथ इन्हीं मटकों से जो जनता यहाँ पर आएगी उनको पानी पिलाया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्लास्टिक की बोतल का, किसी भी ग्लास का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। रैली को देखते हुए 15,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर करीब 150 शौचालयों की व्यवस्था की गई है। वहीं मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें 85 कंप्यूटर लगाए गए हैं। पीएम की रैली में कोई भी कमी ना रह जाए, इसके लिए हरियाणा की मुख्य सचिव केशवी आनंद अरोड़ा ने रोहतक कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में संभावित हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, मगर पार्टी पूरे जोर शोर से कैंपेनिंग में जुट चुकी है। चुनाव से पहले जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जो 8 सितंबर को रोहतक में संपन्न होगी, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा में रैली कर चुनावी माहौल बना चुके हैं। अब इस मौके पर मोदी विजय संकल्प रैली कर रहे हैं, जिस पर प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हैं। पीएम की रैली से बीजेपी की चुनावी कैंपेनिंग को जरूर नई धार मिलेगी। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी रैली में करीबन हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ ये मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा रोहतक का दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रोहतक आ चुके हैं, ये तीसरी उनकी रैली होगी और इसके साथ ही करीबन 2 महीने बाद या फिर 2 महीने से भी कम का वक्त विधानसभा चुनाव होने में बचा है और उसके लिए भी इस रैली के कई मायने तय होंगे। इसके अलावा कई घोषणाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर सकते हैं। रोहतक से R9 TV के लिए अंकुर।